हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो दोस्तों यहाँ पे आज इस वीडियो के अंदर हम लेके आ चुके हैं एक और धमाकेदार प्रोडक्ट। दोस्तों आज हमारे पास है चुनचुन बच्चों की फेवरेट और स्पेशली गर्ल्स की फेवरेट जो है फ्लाइंग डिस्क। तो दोस्तों फ्लाइंग डिस्क एक ऐसी चीज़ है जो कि बच्चों को जो है खेलने में बहुत ही मज़ा आता है और काफ़ी यार जो है किफ़ायती भी आती है, काफ़ी जो है रीजनेबल रेट्स के अंदर भी है दोस्तों ये आती है। इसके कारण जो है पेरेंट्स को भी ज़्यादा बर्डन नहीं होता है और इससे जो है बहुत ही बढ़िया फिजिकल एक्टिविटी होती है, स्पेशली जो है पिकनिक के अंदर आप अगर कहीं जा रहे हो, बीच पे आप घूमने जा रहे हो, पार्क में जा रहे हो, तो इससे जो है ना बच्चे जो है एक दो बच्चे हैं या तो ग्रुप है वो भी जो है पूरा इससे खेल सकता है, इससे कॉन्टेस्ट भी किया जा सकता है। और आजकल तो जो है दोस्तों यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई YouTube पे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आ रहे हैं कि इसको जो है किस तरीके से थ्रो किया जा सकता है, किस तरीके से कैच किया जा सकता है, तो उसके वीडियोस भी देख के जो है बच्चे या तो बड़े जो है सबको हर कोई जो है इसको सीख सकता है अच्छी तरीके से फेंकना और कैच करना। तो दोस्तों इसके अंदर जो है हमारे पास, और ये हाँ स्पेशली दोस्तों ये जो है रत्ना टॉयज़ के द्वारा बनाया हुआ है। रत्ना टॉयज़ यार एक ऐसी कंपनी है, क्या मैं बताऊँ, बहुत ही जायंट कंपनी अब तो बन चुके हैं बिकॉज ऑफ कोरोना। बहुत सारे खिलौने की कंपनियों को जो है एक्वायर कर लिया है। तो यहाँ पे ये वाली जो है इसकी फ्लाइंग डिस्क, इसका नाम है यूनिकॉर्न फ्लाइंग डिस्क। अ डिस्क इज कैचेबल अंटिल इट टचिज द ग्राउंड। हाँ, तो 3 साल से बड़े बच्चे जो है इससे खेल सकते हैं और यहाँ पे इसकी कीमत है 90 रुपये दोस्तों। तो रत्ना टॉयज़ जो है मुंबई बेस्ड कंपनी है और ISI प्रमाणित ये प्रोडक्ट है दोस्तों। इसके अंदर आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, गर्ल्स का ही पूरा एक कैरेक्टर सीरीज़ है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूनिकॉर्न, और ये जो है गर्ल्स का फेवरेट है पिंकी, चिंकी पिंकी, लाइट पिंक। फिर यहाँ पे जो है गर्ल्स का फेवरेट थोड़ा सा डार्क नियॉन कलर पिंक, नियॉन कलर सेफ्रॉन है ना, ये भी काफ़ी क्यूट है। आप देखिए एक एक से बढ़िया जो है यहाँ पे आपको ये पोनी टेल वाली जो है मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो है आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। तो इसकी बेस्ट बाय लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो खरीद भी सकते हैं दोस्तों। तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है दोस्तों। और इसके फ़ायदे तो यार आउटडोर एक्टिविटी करवाने के लिए, आपके बच्चों को जो है प्रोत्साहित करने के लिए, मैं तो ऐसा मानता हूँ कि इसको खरीद के देना चाहिए, स्पेशली जब जो है कोई शॉर्ट वेकेशन आ रहा हो, या तो आप पिकनिक पे जा रहे हो या तो आप बीच पे जा रहे हो, तो बीच पे खेलने में तो बहुत ही मज़ा आता है दोस्तों। ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, समुद्र किनारे, समुद्र में ये डूबेगा नहीं, तैरता रहेगा, अगर ये अंदर भी चला जाता है तो पानी के सहारे जो है वापस बाहर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए जो है इसको खोल के दिखा देता हूँ। एक्चुअली में दोस्तों इसके पहले भी मैंने जो है अलग अलग बहुत अलग अलग डिफरेंट साइज़ के क्वालिटी की जो है फ्लाइंग डिस्क को अनबॉक्स रिव्यू किया है। तो ये जो है ना एक्चुअली मीडियम साइज़ या तो छोटी साइज़ भी बोल सकते हैं, तो इसका ही रत्ना टॉयज़ के ही जो है और भी एक दो कंपनी के मैंने अनबॉक्स रिव्यू किए थे, तो इससे बड़ी वाली भी जो है फ्लाइंग डिस्क आती है और ये जो है इससे छोटी वाली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए इसकी प्लास्टिक क्वालिटी जो है काफ़ी बढ़िया है। अब यहाँ पे यार एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती है, अब उसका कारण क्या है कि इंडियन प्रोडक्ट्स जो होती है ना, जैसे कि प्लास्टिक की प्रोडक्ट्स होती है इंडियन, तो बहुत स्क्रैच लगते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का प्रॉब्लम है या तो मटेरियल जो है इस तरीके का यूज़ किया जाता है या तो मशीनरी जो है उस तरीके की यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट बनती है उस पर बहुत स्क्रैच होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस प्लास्टिक पे शायद आपको दिख रहा होगा काफ़ी सारे स्क्रैचेस यहाँ पे है, बट फिर भी जो है रत्ना टॉयज़ है तो ओवरऑल क्वालिटी तो बढ़िया ही है दोस्तों। और यहाँ पे जो है इसको जो है आप इस तरीके से फेंक सकते हैं, फिर यहाँ पे इस तरीके से फेंक सकते हैं, इस तरीके से कैच, अलग अलग तरीके हैं, उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जब मुझे जो है कुछ वॉलंटियर्स मिल जाएंगे जिसके साथ मैं इसको जो है खेल के आपको दिखा पाऊँ। बट ओवरऑल देखने जाए तो काफ़ी यार बढ़िया क्वालिटी है, तो इसको आप ज़रूर से ट्राई करिएगा दोस्तों और अपने अनुभव जो है कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। जब भी आप पिकनिक पे, पार्टी पे, पार्क में पार्टी तो नहीं बोल सकते, पिकनिक पे, बीच पे, पार्क में जाते हैं, तो आपको कौन कौन सी गेम्स खेलना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ, हैव अ नाइस डे।